मालेगांव क्लब मालेगांव में तमाम ही हमारे जो मेम्बरान हैं तो वो कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तमाम ही फील्ड से डॉक्टर हजरात हैं और बैरून शहर जितने भी हमारे सब मेम्बरान हैं और बैरून मुल्क भी हमारे मेम्बरान हैं, तो सब एक हमारी कनेक्टिविटी है। और मालेगांव क्लब की रिवायत रही है कि जो कोई भी अपनी फील्ड में नुमाया मुकाम कामयाबी हासिल करता है हम उसका इस्तकबाल करते हैं, इतराज़ खिदमत करते हैं, इकराम करते हैं। उसी सिलसिले की आज एक कड़ी थी जो कि कोरोना और कोविड के बाद 4 साल के बाद ये तकरीब हमने मुनाकिद की थी शाम में मुलाकात के नाम से, और इसमें हम लोगों ने दोनों काम किया। हमारे मेम्बरान की मुलाकात हुई और 96 दिन में जो बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है माहद मिल्लत का हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब, उनको भी हमने बुलाया था इस प्रोग्राम में, उनके वालिद साहब को भी बुलाया था और उनके जो उस्ताद मोहतरम है मुफ्ती हामिद को भी बुलाया था हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से अंजाम पजीर हुआ। मालेगांव क्लब ग्रुप के अजायम में ऐसा है कि हम हर वो काम करना चाहते हैं जो मिल्लत के लिए और हमारे मालेगांव के लिए जो अहम हो और जो ज़रूरत हो, और ख़ास तौर से हम एजुकेशन को हाईलाइट करते हैं। एजुकेशन पर हम काम करना चाहते हैं, मालेगांव का हर बच्चा ग्रेजुएट बने और 100% हमारी खानदगी हो जाए। एजुकेशन लाइन से हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग मोटिवेशनल लेक्चर अरेंज करते हैं, बाहर से हमारे स्पीकर आते हैं, पीछे भी हमने कई प्रोग्राम किया है मोटिवेशनल लेक्चर के तौर पर। हमारे प्रोग्राम में सीईओ जो उस वक्त की हज कमेटी की रूही खान थी वो आए हैं, आईएएस अफसरान जो रियाज सैयद हैं नासिक से ताल्लुक रखते हैं उनको हमने बुलाया था। हम हमारे प्रोग्राम में ऐसे अशखास को मधु करते हैं जो मुकाबला जाती इम्तहानात में अपनी कामयाबी दर्ज कराते हैं। ईद बाद इंशाल्लाह हम लोग स्कूलों में साइबर क्राइम के ताल्लुक से और जो फ्रॉड होते हैं साइबर फ्रॉड और ट्रैफिक कवानीन को लेकर मालेगांव में जो बेकायदगी है गाड़ियां चलाने में, तो हम स्कूलों में जाकर बच्चों की कन्विंसिंग करेंगे और वहां पर हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट से और मालेगांव के जो साइबर क्राइम के अफसरान हैं एसपी डीएसपी साहब को उनको लाकर बच्चों के सामने उस जुराइम की और क्राइम की मालूमात हम देंगे ताकि वो सब यहाँ पर ख़त्म हो सके। नशे के ताल्लुक से तो हम इतना कहना चाहेंगे के नशे से सिर्फ उस नौजवान का मुस्तकबिल ख़राब होता है ऐसा नहीं है। गुटके का नशा हो चाहे सिगरेट का हो चाहे बीड़ी का हो, जब उससे कैंसर जैसा मोहलिक और मोजी मर्ज मुब्तला जब इंसान उसके अंदर होता है तो पूरी फैमिली और पूरा घराना सब उसमें परेशान होता है, बच्चे परेशान होते हैं, बीवी परेशान होती है और पूरा उसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्च आता है, कोई वो खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता आज कैंसर का और बहुत ज़्यादा लोग परेशान उसमें हो जाते हैं। तो मैं नौजवानों से और सभी से ये अपील करना चाहूँगा मालेगांव क्लब की जानिब से, हमारे एडमिन अब्दुल मतीन अब्दुल हफीज़ नासिर रॉयल साहब शाहिद भाई हमारे साथ मसूद भाई मेडिकल हैं और हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बरान हैं, मैं सब की जानिब से मालेगांव क्लब की जानिब से शहरियान मालेगांव और तमाम स्कूल के बच्चों और सभी से नौजवानों से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने लिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी फैमिली के लिए बराए मेहरबानी गुटखा तंबाकू नोशी को तर्क करें और एक सेहतमंद माशरे को तश्कील होने में सभी की मदद करें।